इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जम्मा स्नान वस्त्राभूषण से सजाकर पै पान कराकर लाला को पालवे में पढ़ाई। रंगनाथ स्वामी की पूजा है तो स्नान बनाकर वहां पधारी हैं, भोग लगाई, पट बंद की, देखी पट खोलते ही ये तो भगवान जो मेरे लाला वहां बैठे भगवान के सम्मुख भोग लगा रहे, जो पालने में सो रहे। यहां वहां दुई बालक देखे, सोचने लगी मां मति ब्रह्म मोर ज्ञान विशेखा, देख राम जननी अकुलानी प्रभु हरदीन मधुर मुस्कान। मधुर सरकार मुस्कुराए और तब तत्क्षण ही देखरावा मां सहिन अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिला प्रभु ने माँ को रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन कराया। क्या देखिए पंक्तियां, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव देखा जो सुना न खाओ देखे माया सब बिगाड़े अति सभेत लोहे कर खाड़े देखा जीवन का वही जाड़ी भगति जो छोड़े चाहे तन फूल कित मुख वचन नयावा बार नहीं अनेकों अनेक ब्रह्मांड का भगवान ने मां को दर्शन कराया। माया जो जीव को नचाती है उसका दर्शन भया, भक्ति जो जीव को माया से बचाती है उसका भी दर्शन हुआ। एक ऐसा थरथरा गई मैया और भय के मारे भगवान की स्तुति भी नहीं कर पा रही है। फिर भगवान लघु रूप में आ गए। भगवान ने मां से कहा, मां किसी को कहिएगा नहीं, हरि जननी बहु विधि समझाए, यह जन कतहु कहसि सुनु। क्यों? भगवान अपने स्वरूप को छिपा के रखना चाहते और रखना भी चाहते।
स्वरूप को छिपा के ही रखना चाहिए, ऐश्वर्य का विस्तार करना ठीक नहीं, लोगों को भय हो जाएगा, लोग अन्यथा मान लेते हैं। जितना हो सके छिपा रहे हो, स्वरूप छिपा रहे, ऐश्वर्य का विस्तार भगवान का स्वभाव नहीं। अवतार चाहे भगवान का द्वापर वाला हो अथवा त्रेता वाला हो, भगवान सर्वस्थान पर छिपके ही रहते हैं। लीला में विघ्न होगा अस्तु, भगवान ने मां से वचनबद्ध किया, वचन प्राप्त किया, क्या यह जन कतहु कहसि सुनु माई, वचन प्राप्त किए प्रभु। अब मां ने हाथ जोड़ लिया, बार बार कौशल्या विनय करहि कर जो, अब जन कबहु प्रभु मोहि माया। हे प्रभु, ए माया प्रकृति आपकी हमें आगे न व्यापे, खाए डर लगता है, बहुत बड़े हो जाएं, अधिकारी हो जाएं, जितना बड़ा होना है हो जाए, लेकिन जीवन में सर्वकाल स्मरण करना चाहिए, मां के सन्मुख कभी बड़प्पन का प्रसार नहीं करना चाहिए, मां के सन्मुख सदैव छोटा ही रहना चाहिए, तभी ममता की प्राप्ति होती है। थोड़ा विनोद है, आज का मानव उल्टा हो गया है, निज मां के सामने तो वो बड़ा बना रहता है, छोटा बच्चों के मां के आगे हो जाता है, अपनी मां से नहीं डरता, लेकिन बच्चों की मां यदि कह दे कि खड़े रहोगे तो बैठता नहीं, वो खड़े रहेगा। कथा कहती है निज मां के सन्मुख बच्चा बन के रहना चाहिए, वहां सिंह बन कर नहीं, ये व्यवहार जगत है। भगवान ने मां से लिया, प्रभु ये माया प्रकृति कभी व्यापी नहीं, अब जन कबहु प्रभु महिमा। बंध गए प्रभु, इस प्रकार अनेक बाल लीलाएं भगवान ने की। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति अनंत लासन कर दीन्हा, कछुक काल बीते सब भाई, मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीरन विचर प्रभु सोई, मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीरन विचर प्रभु सोई। मन से जो पकड़ाएगा नहीं
जो दूर है कर्म से उसको समझा नहीं जा सकता है, वाणी जिसके बारे में कह नहीं सकती है, इंद्रियों की पकड़ से पहुंच से भी जो परे है वो प्रभु दशरथ अजी विचर प्रभु क्यों कैसे किस लिए? केवल प्रेम, बस प्रेम के कारण भगत प्रेम बस सगुण सो हो। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर चक्रवर्ती जी महाराज के आंगन में विचरण कर रहे हैं। सोचिए ना, प्रेम कैसा अद्भुत तत्व है। प्रेम बांध लेता है, प्रेम रोकता है, प्रेम जाने नहीं देता। कथा के प्रति प्रेम ही तो आपको घर से खींच के पंडाल तक ले आ दिया। ये प्रेम तत्व अद्भुत है, प्रेम छोड़ता नहीं। जहां प्रेम है वहां ही हम जाते आते हैं। हमसे जिसको प्रेम है वो मेरे यहां आता है, हमको जिससे प्रेम है हम उसके यहां जाते हैं। भक्ति पथ में भी प्रेम महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण सामग्री है। भगवान भी कहां कहां गए? जहां उनको प्रेम था, जिसको इनसे प्रेम था, केवट प्रेम, शबरी प्रेम, सुग्रीव प्रेम, जिससे इनको प्रेम है, भगत प्रेम, परमात्मा आंगन में विचरण करते हैं। अब चूड़ाकरण हो गया अर्थात बाहर उतर गया, अब खेलने की आज्ञा हो गई, थोड़ा सखा लोगों के साथ भगवान जाने लगे, खेलने लगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक दिन भगवान ने प्रार्थना किया माँ से कि मैं बाहर खेलने जाऊंगा, तो माँ समझाते हुए कहती है, लाला मान गए। आज्ञा मानने का स्वभाव बचपन से ही सधना चाहिए। बचपन से स्वभाव सध गया तो युवावस्था तक बना रहेगा। और देखिए, जैसा है वैसा तो है ही है। शिक्षा विद्यालय की जिम्मेदारी है, परंतु संस्कार परिवार की जिम्मेदारी है। हम बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा संस्कार व्यवहार की भी बात अवश्य करें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।